देखिए, जब भी हम दिल्ली आते हैं हम ये प्रयास करते हैं कि हम सीनियर लीडर्स से, अपने पार्टी हाईकमान से यहाँ पर मिले, उनसे वार्तालाप करें, उनको फीडबैक दें और उसकी जो भी उनका आदेश होता है उसका हम पालन करते हैं। आज से नहीं, बहुत सालों से ये प्रक्रिया जारी रही है। अब वीरभद्र सिंह जी नहीं है तो उनका सुपुत्र वो भी उसी प्रथा को फॉलो करते हुए हाईकमांड के साथ सदा इन टच रहते हैं और जो उनका आदेश होता है कि हमने क्या करना है, किन लाइन्स पे चलना है, उसका हम पालन करते हैं। वेणुगोपाल जी से भी मिले क्योंकि वो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, प्रभारी है, तो उनसे भी हमने डिटेल में सारी वार्ता की है। कुछ तत्व हैं जो अननेसेसली बिना मतलब के कुछ ना कुछ इश्यू उठाते रहते हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। हमें पार्टी का आदेश का पालन करना है और उसके मुताबिक स्टेट को भी देखना है कि स्टेट हमारा किस तरीके से फ्लरिश करे, किस तरीके से हम आगे बढ़े और किस तरीके से हम देश की प्रदेश की बेहतरी कर सके, इसमें हमारा बहुत अहम भूमिका है। अब तो क्योंकि विक्रमादित्य एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है, मंत्री है, तो उनको उसके मुताबिक यहाँ सेंटर से भी तालमेल बनाना है। उसने कुछ मीटिंग्स अपने विभाग की यहाँ पर रखी थी और उनके साथ तालमेल बनाना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सेंटर से ही फंडेड है, तो उसकी जानकारी देनी, उनके मुताबिक हमें उसको फॉलो करना है। और जो सेंटर से हमें, चाहे वो आदरणीय मोदी जी हैं चाहे अन्य लीडर्स हैं, उनसे भी हमें तालमेल बनाने की आवश्यकता है क्योंकि ये स्टेट के हित में है और स्टेट की बेहतरी हम चाहते हैं कि किस तरीके से बेहतरी हो। आप जानते हैं पिछली बार एक बहुत बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई, उस वक्त भी हमने स्वयं केंद्र सरकार को इससे अवगत करवाया और उसके लिए भी उनसे मदद मांगी और जो भी संभव होता है उसमें हम कार्यरत रहते हैं और प्रदेश के हित में ही मिलकर काम करते हैं।